हेलो, फार्मेसी नाइट में आपका स्वागत है। मैं हूँ दिनेश, फार्मासिस्ट हूँ, और मैं यहाँ मेडिटेशन मेडिसिन से रिलेटेड आज वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए स्वागत करता हूँ। टेलीपैथी से स्टार्ट करेंगे, तो पहले समझ लेते हैं टेलीपैथी होती क्या है। दुनिया में जो सबसे बड़ा सबसे बड़ी बुक लिखी गई है ना मेडिटेशन और मेडिसिन के लिए, वो है अथर्वेद। जादू टोना, काला जादू, लाल किताब, हर एक चीज़ जो भी ये चीज़ें आती है ना, वो अथर्वेद में पूरा भरा पड़ा है। लेकिन लोग उसको देखते नहीं हैं और समझते नहीं हैं। तो हम देखते हैं टेलीपैथी क्या होती है। मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं उसको दूसरे के दिमाग में डालना चाहता हूँ। जैसे रेडियो रहता है ना, वो फ्रिक्वेंसी पकड़ता है ना, ऐसे आपके दिमाग से भी एक फ्रिक्वेंसी निकलेगी और वो दूसरे के दिमाग में चली जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी को निकालना कैसे, किस तरीके से मैं फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर सकता हूँ, वो तरीका बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले जो टेक्निक बताया है माइंड को कंट्रोल करने की, मैं उम्मीद करता हूँ आपने तरीका इस्तेमाल किया होगा और आपका दिमाग बहुत शांत हो गया होगा। और इसको अच्छे तरीके से कीजिए, आपका दिमाग हमेशा शांत रहेगा। तो टेलीपैथी के तरीका देखते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, 6 सेकंड तक अपनी सांस को अंदर खींचिए, फिर 3 सेकंड सांसों को रोक दीजिए, फिर 6 सेकंड तक सांस को बाहर छोड़िए। छोड़ने के बाद 3 सेकंड सांस बाहर ही रोके रखिए, फिर 6 सेकंड अंदर सांस खींचिए, फिर 3 सेकंड अंदर सांस रोकिए, 6 सेकंड बाहर सांस छोड़िए, 3 सेकंड बाहर सांस रोकिए। 6 सेकंड खींचना है, 3 सेकंड रोकना है, फिर 6 सेकंड तक छोड़ना है, फिर 3 सेकंड रोकना है। 6 3 6 3 6 3 करते हो, इसको एक रिदम में कीजिए, लयबद्ध तालबद्ध रिदम। जब ये रिदम में आप 2-3 महीने में ट्रेंड हो जाएंगे तो आप एक फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकेंगे और वो फ्रिक्वेंसी को आप दूसरे के दिमाग में डाल सकते हैं। और मेरी मानिए तो इसको थोड़ा बढ़ाइए, मतलब 16 सेकंड तक, जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा ना तो इसको बढ़ाते जाइए। 16 सेकंड सांस अंदर खींचिए, 8 सेकंड रोकिए, फिर 16 सेकंड छोड़िए, फिर 8 सेकंड रोकिए। इस तरीके से अगर इतना बढ़ गया तो वो इफेक्टिव रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपको ये लयबद्ध तरीका आपको इसमें ट्रेंड हो जाए, तो अपने दिमाग में जिस आदमी या जिस भी चीज़ के बारे में, जो भी इसके भी दिमाग में आप डालना चाहते हैं, उसकी तस्वीर बन जाती है और अपने विचारों को उसके दिमाग से अपने जनरेट कीजिए। इस मेडिटेशन करते रहिए, विचार जनरेट करते रहिए, ये दूसरे के दिमाग में अपने आप ही चले जाएंगे। छोटा सा तरीका, और मेरे सलाह मानिए, इस तरीके का इस्तेमाल गलत तरीक़ों के लिए ना करें। गलत चीज़ें आप समझ गए होंगे, वो मना करें। और सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए। मैं मेडिटेशन की और अच्छी तरीके आपके लिए लाता रहूँगा और आपको अथर्वेद, योगा, आयुर्वेद, जल थेरेपी, सन थेरेपी, होम्योपैथी, टेलीपैथी और जितनी भी आपके टेक्निक होती हैं, हम फार्मेसी में सब कुछ सिखाया जाता है। तो हम वो सारे तरीके आपको सिखाएंगे, छोटे छोटे तरीके हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और घंटी का गला दबाइए। थैंक यू।